हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आपका स्वागत है हमारे चैनल रसोई मेघा की में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये केला और सेब की बहुत ही चटपटी चाट। तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं कि ये चाट कैसे बनानी है। आप बना के ज़रूर खाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है, चटपटी एकदम चाट बनती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने केला और सेब काट लिया। आप चाहें तो किसी भी आकार में, आप मनपसंद आकार में काट लें। मैंने यहाँ पे गोल केला काटा है और ये इस तरह से सेब कुछ पीस किए हैं इनके। और यहाँ पे लेना है हमें चाट मसाला और आधा नींबू। इसके लिए चाहिए होगा हमें थोड़ा सा हनी और ये घिसी हुई, ये कद्दूकस की हुई, ये अदरक थोड़ी सी। यहाँ पर चाहिए होगा हमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक और ये लाल मिर्च पाउडर। और ये चाहिए हमें जीरा पाउडर। मैंने जीरा भून के और उसको पीस लिया है। तो चलिए अब हम चाट बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस बाउल में ये केला और ये सेब, जितनी चाट आपको बनानी है उतने ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे ये ज़ीरा पाउडर। एक एक करके सारी चीज़ें हमें मिक्स करनी है इसमें। ये डाला हमने ज़ीरा पाउडर। ये डालेंगे अदरक। थोड़ा सा नमक। नमक ध्यान रखना है आपको थोड़ा ही डालना है क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। थोड़ा सा मिर्च पाउडर। और ये चाट मसाला। चाट मसाला आपको ज़्यादा डालना है थोड़ा सा, इससे क्या है कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें ये थोड़ा सा हनी डाल देना है, इससे थोड़ा मीठापन आ जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा हनी डाल दिया। अब हमें ये आधा नींबू इसमें डाल देना है। आधा नींबू मैंने इसमें डाल दिया। अब हमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, इन सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारी बहुत ही चटपटी चाट बनके तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है खट्टी मीठी चटपटी चाट, इसकी सेब और केला की। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।